हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को 14,750 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 14,970 प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 32,110 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 33,000 प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। स्टॉक्स जो आज बैंड है वो है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, कैनरा बैंक, PNB, सेल, सन टीवी। आज के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। आप SKF इंडिया बाय कर सकते हो बिटवीन 2,360 टू 2,375 के बीच। टारगेट रख सकते हो 2,420 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2,300 पर। प्रीवियस सेशन पे प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग देखी और 2,210 लो पर हिट किया। प्राइस लोअर साइड पर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए वो ऊपर चला गया है। स्टॉक इचिमोको क्लाउड के ऊपर क्लोज हुआ, प्राइसेस रेड क्लाउड के अपर एंड के बिल्कुल पास कम हो गया और वापस बाउंस बैक हो गया। क्लोज मूव 2,360 के ऊपर है, फॉलोड बाय 2,375 जो फर्दर अपस्विंग दिखा सकता है। 2,200 से नीचे कोई भी कदम प्राइसेस को ट्विस्ट एंड टर्न से क्लाउड के अंदर उतार देगा। आप IOC भी बाय कर सकते हो बिटवीन 102 टू 103 के बीच। टारगेट रख सकते हो 105 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 99 पर। प्राइसेस में साइडवाइज एक्शन नजर आई और दोजी कैंडल फॉर्म किया जो ट्रेंड में पॉज होने का इंडिकेशन दे रहा है। बुलिश और बेरिश के बीच स्टॉक ने दिन के लिए फ्लैट एंड होने से पहले एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करना चुना। ब्रेकअबाउट डेज हाई स्टॉक में बुलिशनेस का इंडिकेशन दे रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको 17 मई को दी गई थी, आप ITC बाय कर सकते थे बिटवीन 215 टू 218 के बीच और टारगेट कहा गया था 220 टू 222 के बीच। स्टॉप लॉस बताया गया था 209 पर, उसके अनुसार ITC को होल्ड करके रखिए बताए हुए टारगेट एंड स्टॉप लॉस पर। DLF आपको सजेस्ट किया गया था सेल करने के लिए एट 250, टारगेट 244, स्टॉप लॉस 256 बताया गया था। उसके अनुसार आप DLF सेल कॉल अवॉइड कर सकते हो क्योंकि कॉल इनिशिएट नहीं हुआ है। आपको वीकली व्यू भी बताया गया था कल के दिन, तो उसके अनुसार आपको बताया था CDSL बाय करने के लिए बिटवीन 834 टू 838 के बीच। टारगेट बताया गया था 875 पर, स्टॉप लॉस बताया था 790। तो उसके अनुसार आप CDSL में ऑलमोस्ट आपने अचीव किया होगा 874.80। आपको ग्रेट ईस्टर्न शिप भी कहा गया था 405 टू 408 के बीच बाय करने के लिए। टारगेट बताया गया था 440 पर, स्टॉप लॉस बताया था 370 पर। उसके अनुसार आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए बताए हुए स्टॉप लॉस और टारगेट पर। SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है। SGX निफ्टी 15,115 लेवल्स पर है, हायर 159.60 पॉइंट्स एज पर 7:50 AM अपडेट। आज के स्टॉक एंड न्यूज देखते हैं तो स्ट्राइड्स फार्मा साइंस, हीरो मोटोकॉर्प, ग्लैंड फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने 38% से अधिक की सब्सटैंशियल प्लेजेस रिलीज की है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग का 25.98%, कंपनी के पेड अप कैपिटल का 7.71% है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सभी वारंटी एंड फ्री सर्विसेज की ड्यूरेशन बढ़ा दी है। ग्लैंड फार्मा ने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 21 में 260.4 करोड़ रुपए का हायर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया अगेंस्ट 194.79 करोड़ इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 20। रेवेन्यू 635.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 887.7 करोड़ रुपए हो गया। रविवार को कुछ घंटों के लिए NEFT सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। 23 मई को NEFT सर्विस के माध्यम से फंड ट्रांसफर सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं होगा। RBI द्वारा 22 मई को बिजनेस आवर्स के बाद टेक्निकल अपग्रेड और परफॉर्मेंस मेंटेनेंस के लिए ये बंद रहेगा। RTGS बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। साइक्लोन तौकते वेस्ट कोस्ट से टकराया है। साइक्लोन तौकते की बात करें तो आज कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में हिट किया है। आज में गुजरात से टकराने की संभावना है। मुंबई एयरपोर्ट के अंदर और बाहर कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, जबकि एयरपोर्ट 17 मई की रात 8 बजे तक ऑपरेशंस के लिए बंद है। कोविड अपडेट के बारे में देखते हैं तो कल रिपोर्ट किए गए नए केसेस की संख्या 2.81 लाख से कम थी। लगभग एक महीने में ये पहली बार है जब ये संख्या 3 लाख से कम हो गई है। पूरे देश में अभी इफेक्टिव लॉकडाउन्स के कारण गिरावट हो सकती है। आज के रिजल्ट्स देखते हैं तो सबसे पहले टाटा मोटर्स, कैनरा बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, अबॉट इंडिया, टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स और कई 26 कंपनीज हैं जिनके आज क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज होंगी।
इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले यूएस मार्केट देखते हैं। यूएस इंडाइसेस मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ क्योंकि मार्केट हालांकि वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट करते हुए पिछले वीक के एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ प्रॉफिट बुकिंग का एक बड़ा दौर देखा जा सकता है। बॉन्ड यील्ड्स 1.62% फ्लैट के करीब है जबकि यूएस डॉलर में अधिक कमजोरी है। इन्फ्लेशन आउटलुक पर इस वीक फेडरल रिजर्व की बैठक मार्केट की दिशा तय करने में अहम होगी। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापानीज मार्केट की अगुवाई में एशियन मार्केट शुरुआती कारोबार में करीब 450 पॉइंट्स की तेजी के साथ निकाय कारोबार के साथ खुले। चाइनीज स्टॉक्स मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मैक्रो डेटा इकोनॉमी में मजबूत डिमांड आउटलुक रोबस्ट के साथ सुधार दिखाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फ़ायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।